उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच बात बन गई है, इसकी अब औपचारिक घोषणा हो रही है। जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय तथा हमारे लंबे समय से एनडीए की सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा, केंद्रीय गृह मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय तथा हमारे लंबे समय से एनडीए की सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी तथा उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता तथा हमारी एनडीए की दूसरे प्रमुख सहयोगी, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की आंदोलन की एक छवि डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबी और उनकी प्रमुख और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी भी रहे। आज उस संबंधित कुछ औपचारिक घोषणाएं एनडी की ओर से हमारे तीनों दल की आदरणीय अध्यक्ष महोदयों ने करना है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को विनती करता हूं। मित्रों जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले दो तीन दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर, यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और यही सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है। लेटर और स्पिरिट में सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा मंत्र था उसको हम लोगों ने पूरा किया है। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का, और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है, जिसके कारण हमको धरती पर एक परिवर्तन और एक, जिसे हम कहते हैं कि एक विकास की नई कहानी देखने को मिलती है, यह हम सबके सामने है। अगर हम विकास की बात करें तो आपके सामने ऑप्टिक्स में भी आपको दिखता होगा कनेक्टिविटी के बारे में, फिर चाहे कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो
या फिर हमारे स्टेट हाईवेज भी हों, एक कनेक्टिविटी में बहुत तीव्र गति से पिछले 5 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के द्वारा जमीन पर वो काम हुआ है। उसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया है और आज एजुकेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक आगे बढ़ता हुआ स्टेट दिखता है, और विशेष करके मेडिकल एजुकेशन में, उसमें हम सबको दिखता है। हेल्थ केयर तो है ही, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब विषय तो है ही, सोशल इंडिकेटर्स के भी विषय हैं। सभी विषयों में एनडीए की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने बहुत तीव्र गति से काम किया है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम कहें तो आज उत्तर प्रदेश हैज बिकम ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। वहाँ एक बहुत परिवर्तन दिखता है। एक समय में जहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस ले रहे थे, वहाँ से पलायन कर रहे थे, आज वहाँ इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना है। तो यह पॉलिटिकल माहौल जो खड़ा हुआ है उसके कारण हुआ है। और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण, ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर उसमें स्कीम्स लाइक उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान, ये सारी स्कीम्स उसमें आती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे लेबरर्स के लिए जो वापस जा रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको एम्पावर करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। और महिलाओं को और युवाओं को फोकस में रख करके काम पिछले 5 सालों में हुआ है, ये हम सबको दिखता है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हमारे चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर, विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये तो है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में है। और जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ तो मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि 5 साल पहले का सिनेरियो याद कीजिए। पलायन हो रहा था, पलायन के साथ साथ वहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद साधारण तरीके से लोगों का जो रोज़मर्रा और जीवन के होता था वो थम जाता था। किडनैपिंग्स हो रही थी, हर एक तरीके के वहाँ माफियाज एक्टिव थे और माफियाज और सरकार का नेक्सस था और उनके सपोर्ट से वो काम चल रहा था। ये सारी चीज़ें 5 साल में समाप्त हुई हैं। आज रूल ऑफ लॉ है और उसके साथ साथ एक जिसको कहते हैं कि आम आदमी चैन से जी सकता है, काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज कर सकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर डेवलप हुई है, वो भी हम लोगों को देखने को मिला है। और इसीलिए हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है। और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है, सोच ईमानदार है, काम असरदार है, इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने आज इसलिए आया था क्योंकि हमारे 2 दल जिनके साथ सारी डिटेल्स में बातचीत हो करके हम निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, तो उसकी बारे में फॉर्मली आज हम घोषणा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ मुखातिब होकर के इस बारे में चर्चा करूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।